टू कपिल बच्चन फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसे कि सुबह हो चुकी है और हमारा कूलर जो हमने निकाला था तो वो चल नहीं रहा था, तो कपिल जी उसे ठीक कर रहे हैं। हमारे कपिल जी ऐसे हैं जो घर की छोटे मोटे काम, बिजली के हमें ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की, कपिल जी कर देते हैं। तो घर के काम तो सबको आने चाहिए, छोटे मोटे तो अगर छोटे मोटे काम आते आएंगे तभी तो आप घर चलेगा। हर चीज के लिए हम बिजली वाला बुलाते रहे, हमारी फोर चीजों के लिए, हमारे फोर सीलिंग की लाइटें सारी खराब हो गई थी, सारी लाइटें कपिल जी ने बदल दी। आप लोगों को पता ही है आजकल बिजली वालों के कितने नखरे हो गए हैं, सौ के हजार मांगते हैं, हजार के 10,000 मांगते हैं, और कुछ लोग तो आते ही नहीं है बुलाने। नखरे इतने हैं बिजली वालों के, पैसे तो देख लीजिए, नखरे इतने हैं, 10 फोन करेंगे तब वो आएंगे। तो इसलिए इतना काम आना चाहिए अपना घर का काम, और आएंगे देखेंगे कर सके, देखेंगे, और अगर पैसे हमें समझ में नहीं आए तो उसको बोलेंगे कि आने के पैसे दो। आपको बिजली से फोन कर रहे हैं, से ऑन नहीं हुआ, ऑन होगा मुझे विश्वास है कपिल जी में। कूलर ऑन हो चुका है, कपिल जी सक्सेसफुल। तो ये कपिल जी देख लो सही, किसी को कुछ अपनी लाइटें वगैरह ठीक करानी हो, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत हो तो जरूर बुलाना कपिल जी को, हमसे संपर्क करें कपिल रक्षा फैमिली लॉक्स पर। कपिल जी सफाई करने लग रहे हैं, सारे घर के जाले निकाल रहे हैं। इस टाइम तो मिलता नहीं है भाई, काम पे भी जाना होता है, तो वो सुबह का टाइम हमने रखा था कि भाई जल्दी उठेंगे और सफाई करेंगे, सारे जाले निकालेंगे। कायरा का आ रहा है बर्थडे, कायरा का बर्थडे आ रहा है तो थोड़ी क्लीन करनी है घर। एक्चुअली पहले तो हम सोच रहे थे कायरा के बर्थडे से पहले व्हाइट वॉश करेंगे, तो हमने व्हाइट वॉश का भी हुआ नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं, इसलिए हम सोच रहे थे कि कायरा के बर्थडे के बाद व्हाइट वॉश कराएंगे, तो इसलिए सफाई कर लेते हैं। तो देख लो कपिल जी कितने अच्छे से क्लीन अप क्लीन कर रहे हैं जालों को, इतने अच्छे से तो मूवीज में साफ करते होंगे। हाँ इतने अच्छे से तो ये नहाते भी नहीं होंगे, जितने अच्छे से घर को चमका रहे हैं। क्यों कपिल जी सही कह रही हो ना, है कपिल जी नहाता तो रोज ही जो कपिल जी जो खट्टी मीठी बातें चलती रहनी चाहिए लाइफ में, तभी लाइफ का मजा आया। क्यों सही कह रही हूँ ना, फ्रेंड्स वेलकम टू अवर व्लॉग, और मैं आ चुका हूँ ऑन स्क्रीन। तो घर पड़ा आया अस्त व्यस्त, तो कायरा भी आज भी स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत आज भी थोड़ी सी लूज मोशन वाले लगे हुए हैं, तो जैसे ही वो ठीक होगी तो उसे स्कूल के लिए रवाना करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आज भी वो छुट्टी पे है। और सुबह से आज हो गया काम, घर के काम करते करते बहुत टाइम, तो रक्षा अभी लगी हुई है साफ सफाई में, नाश्ता कितनी देर में देती है देखते हैं, तो बने रहना हमारे ब्लॉक के अंदर। तो गाइस यहाँ कायरा लगी हुई है एज इट इज़ फ़ोन पर, और इसने एक मेरे साथ रील बनाई है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं kapil.arya001 पे मेरी आईडी है, तो वो मेरी आईडी है।
गाइस देखिए कौन आया है घर पर। तो यहाँ आ गया है लविश एक बार फिर। यहाँ कायरा भागती हुई आ रही है अपने फोन के पास। ये इसका फोन कर। नमस्ते कायरा आ रही है लबू भैया के डर से। तो ये वीडियो देखिए अमायरा और उसकी मदर की जो हमेशा आते रहती है। तो गाइस जैसे कि हम अपने बच्चों को फ़ोन्स वगैरह देते हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो कौन सी वीडियोस देख रहे हैं और कौन सी नहीं देख रहे हैं। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना है अपने बच्चों पे कि वो कुछ गलत साइट्स वगैरह पे ना जाए जो उनके लिए अच्छी नहीं है। तो हमेशा हमें उन पर थोड़ा सा फोकस भी रखना पड़ता है। अगर हम अपने फ़ोन्स उनको दे रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए यूट्यूब पे वो कौन सी चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए बेटर है देखने के लिए या नहीं है वो बेटर है। तो प्लीज़ चाइल्ड लॉक भी आता है तो प्लीज़ चाइल्ड लॉक लगा के रखिए और वो वाली वेबसाइट्स को लॉक करके रखिए जो वो देख हम उन्हें नहीं इस एज के अंदर दिखाना चाहते। तो एक एज होती है हर चीज़ को देखने की। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर चाइल्ड, अपने बच्चों पर प्लीज़ ध्यान रखिए। क्योंकि ये फ़ोन जब भी देखते हैं तो उनके लिए सीख मिल रही है उस वीडियो से या नहीं मिल रही है। और कुछ गलत वेबसाइट्स होती है या कुछ गलत चैनल्स होते हैं जो बच्चों को गलत चीज़ें दिखाते हैं और हमारे बच्चे कुछ दूसरी राह पकड़ लेते हैं। तो प्लीज़ फोकस ऑन देम, थैंक यू। तो गाइस यहाँ पे देखो कायरा ने खिलौने बिखेर रखे हैं और यहाँ पे वो माचिस से खेल लिया। माचिस खेल लिया उसने? हाँ बुआ। और यहाँ पे अभी बज रहे हैं। तो गाइस कायरा ने भी यहाँ पे खिलौने फैला रखे थे, अब वो अपने सेट करिए खिलौने बकेट में। और यहाँ पे अभी है कायरा, ये भी रखो। और गाइस यहाँ पे भी इसने खिलौने बिखेर रखे हैं। और गाइस देखते हैं बुआ ने क्या बनाया। बुआ आप क्या बना रही हो, क्या हाल खाने के? मैंने बनाया राजमा। तो गाइस बुआ ने राजमा चावल बनाया उस दिन भी जब मैं आया था, जब मैंने ही शूट करा था उस दिन मैंने शूट करा था और उस दिन मैंने शूट करा था उस दिन मैं अभी भी शूट कर रहा हूँ। और गाइस यहाँ पे बुआ धनिया काट रही है, साफ कर रही है। सो गाइस यहाँ पे बुआ धनिया काट रही है। और आज मेरे को इतना शेड्यूल टाइट था आज मेरा, यानी कि इतने सारे मैंने कपड़े धोए, सारे कर्टन वगैरह धोए, कपड़े धोए, तो आज शूट ही नहीं कर पाई। तो गाइस ये होता है कि टेंशन में होता है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है तो भूल जाते हैं। कपिल जी तो आज थोड़ा घर छिड़वा गए थे क्योंकि आयरा का बर्थडे आ रहा, तो सारे कर्टन वगैरह उतार के थोड़ी सफाई करी है। यानी कि एक दिन में तो नहीं होगी, बट ये है कि एक दो दिन में थोड़ा 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 कर देंगे, एक रूम की तो बस हो जाएगी ऐसे ही। तो गाइस वहाँ पे उन्होंने राजमा छोंक चढ़ा दिए, छोंक दिए तो राजमा बन रहे हैं। और अभी चावल बनाऊंगी बस, फिर उसके बाद थोड़ी टेंशन फ्री हो जाऊंगी। तो वहाँ देखिए कायरा की शैतानियाँ अभी भी जा रही है। पहले इसने सिमटाए थे मैंने, जैसे कि आपको दिखाया था, उसके बाद इसने फिर कर दिया। क्या कर दिया है? कायरा भी अकेली रहती है तो इसलिए कुछ ना कुछ लगी रहती है। और जब मैं आता तो उसकी शैतानियाँ डबल हो जाती है। हाँ, इसके आते ही शैतानियाँ, इससे लड़ाई करना। इस चावल बनाने, राजमा तो बनाने रख दिए।
किचन भी हमारी ऑलमोस्ट साफ ही है। ऑलमोस्ट क्या, पूरी साफ होगी। खाया भी अब हम घर पे हमारे, क्योंकि इसकी छुट्टियाँ ही पड़ी हुई है, तो इसका भी मन कर रहा था कहीं घूमने आओ, तो इसका ऑप्शन बस यही है कि बुआ के घर चलो, क्योंकि मैं रहती हूँ भगत के घर के पास। मैं कभी भी ऐसे रैंडमली भी आ जाता हूँ, क्योंकि पैदल आता हूँ, बहुत पास है, बस एड्रेस नहीं बता सकता। कह रहे हेलो गाइस कर दो। क्या 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 कह रहा भैया के लिए रोटी बना दो। राज में चावल हो गए थे हमारे तैयार, और ये मेरी प्लेट, मेरी बेटी कायरा, और कायरा को कुछ ना कुछ लगा रहता है। लविश, राज में चावल कैसे लगे? बहुत टेस्टी। और कायरा मैडम इधर फोन में लगी हुई है, क्योंकि उसके फोन का नेट चल नहीं रहा, घूम रहा चकरा, तो कायरा नहीं गंदी बात। तो गाइस आइए खा लो हमारे साथ राजमा चावल, और कायरा मेरे चावलों को मिक्स करने में लगी पड़ी है राजमा में, इतनी शैतान है। देखो कायरा क्या कर रहे हो, गंदी बात कायरा, नो। हेलो गाइस कर दो, अच्छा सबको हेलो गाइस बोलो पहले एक बार। इसमें आ गया था घर पर, और यहाँ कायरा खा रही है आइसक्रीम शिकंजी फ्लेवर में, और यहाँ चल रहा है हमारा ब्लॉग। कायरा क्या खा रही है, कायरा देख रही है सामने अपने को। तो गाइस मैं हो चुकी थी नालों से तैयार, और यहाँ कायरा की मस्ती जा रही है। क्या हो गया, और ये लवी हाथ को क्या हो गया, ठंडे हो गए, यमी है। गाइस पूरे दिन हो गया मुझे काम करते करते, दो दिन बाद मशीन लग गई, कपड़े भी हो गए थे। कायरा की आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, तो उसके हाथों में थोड़ी मेल्ट होके गिर रही है, तो क्या हो रहा है कायरा, पापा को भी खाना है। तो यहाँ आ गया लविश आइसक्रीम लेकर, और यहाँ रक्षा जी आ गई है मेरे लिए खाना लेके, और आ गया है राजमा चावल। तो गाइस खाते हैं इसे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस देखिए इसको इतना मना करते हैं, और ये छुड़ा छुड़ा के हमारी दीवारें खराब करी जा रही है। देखो देखो खा रही है, ये देखो देखो अभी खाया, इसको बहुत गंदी आदत पड़ी हुई है मिट्टी खाने की। देख ले क्यों नहीं रहे, जानबूझ के भी छुड़ा रही है। बहुत पिटेगी, बहुत डंडे से मारने वाली हूँ मैं,
नहीं रही है। तो गाइस आप बताइए कि इसको मिट्टी खाने की आदत पड़ गई है, तो हम लोग कैसे छुड़वाएं इसकी। वैसे तो इस आज इसका दीवार का रक्षा काम तमाम करेगी, तो इस पर पीओपी हो जाएगा नाइट में, तो सुबह आपको ये बिल्कुल साफ सुथरी मिलेगी। और ये सारी दीवार इसने छिल रखी है यहाँ से वहाँ, और यहाँ लविश आईपीएल देख रहे हैं। हाँ, आइसक्रीम आई थी कपिल जी के लिए चौक बार, और यहाँ माँ बेटी सब पेटने में लगे हैं। बेटी लपेट रही है, देखो कितनी जल्दी चल रही है। पहले उसको चॉकलेट उतारेगी फिर आइसक्रीम खाएगी। मुझे भी खिला दे, कह रहा हूँ प्लीज खाना खिला दे। मेरी गई मम्मा प्लीज खिला दो ना। अब ये खिलाएगी पापा को, अरे पापा को खिला दो, लाओ। तो ये पापा को भी नहीं खिला रही है। और पापा को मम्मा को भी खिला दे, कह खिला दियो स्पीच खिला दो, खिला दो ना पीच। मम्मा को खिला दो, थोड़ी सी खिला दो, कह रहा मम्मा को खिलाओ। बेटा मम्मा ने मंगाई है, ब्लॉक के अंदर बने रहना। मम्मी मांग रही है इधर और कह रहा है इधर सपेट रही है। अब मैं गुस्सा हूँ, मैं बात नहीं करूंगी। ले खा लो खाली तिल्ली। तो कायरा खा गई है पूरी आइसक्रीम। मेरी आइसक्रीम खा ली आपने, कोई बात पापा की थी ना। अब देखो हम क्या निकालेंगे। गाइस ये ब्लॉग हमारा यहीं तक था, और इस ब्लॉग का करते हैं हम यहीं एंड। तो आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कमेंट करिए, टाटा बाय।